दोस्तों आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, दान देने का स्वभाव, मधुर वाणी, धैर्य और उचित की पहचान, ये चार बातें अभ्यास से नहीं आती, ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण है और ईश्वर के द्वारा ही ये गुण प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों का उपयोग नहीं करता वो ईश्वर द्वारा दिए गए वरदान की उपेक्षा करता है और दुर्गुणों को अपना कर वो घोर कष्ट भोगता है। दोस्तों जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे के वर्ग का आश्रय ग्रहण करता है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है, जैसे राजा अधर्म के द्वारा नष्ट हो जाता है, उसके पाप उसे नष्ट कर देते हैं। चाणक्य जी आगे बताते हैं, हाथी मोटे शरीर वाला है परंतु वो अंकुश से बश में रहता है, क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, क्या अंधकार दीपक के बराबर है? वज्र से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटकर गिर जाते हैं, क्या वज्र पर्वतों के समान है? दोस्तों सत्यता तो ये है, जिसका तेज चमकता रहता है वही बलवान है, मोटेपन से बल का एहसास नहीं होता। आगे दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति को विद्या नहीं आती, मांस खाने वाले को दया नहीं आती, धन के लालची को सच बोलना नहीं आता और स्त्री में आसक्त व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती। दोस्तों जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने के उपरांत भी वो अपनी कड़वाहट छोड़कर मर्दुल नहीं हो जाता, ठीक इसी के अनुरूप दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्यों पर सदउपदेशों का कोई भी असर नहीं होता। दोस्तों चाणक्य जी बताते हैं, जिस प्रकार शराब वाला पात्र अग्नि में तपने के बाद भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में पाप और कुटिलता भरी होती है, सैकड़ों तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के बाद भी ऐसे मनुष्य पवित्र नहीं हो सकते। दोस्तों जो ब्राह्मण दुनियादारी के कामों में लगा रहता है, पशुओं का पालन और व्यापार तथा खेती करता है, वो वैश्य अर्थात वणिक कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।